पुलिस का ही खतर है या पुलिस मिल वाले खतर है, मारी खतर है जी, पुलिस मारी खतर है तो बजा गोली मारे पे। ये कान खोलकर मिल वाला भी सुन ले और शासन प्रशासन भी सुन ले, इसमें गन्ने की एक पूरी तक नहीं दी जाएगी जब तक हमारा पेमेंट नहीं क्लियर होगा। आगे पाकिस्तान का ठा दगे क्या लगा 250 रुपए किलो आटा हो रहा, 350 टमाटर हो रहा, अपना नहीं देख रहे, बांग्लादेश का ठा दगे वहां नु स्थिति होगी, गरीब भी आ गया। हमारा तो बहुत पुराना बैर रिश्ता है, चौधरी साहब नु कह गए थे लेना काम मन बढ़न दियो और जो काम बढ़ गया लिख थारे पे। नमस्कार दोस्तों, शामली में गन्ने के बकाया पेमेंट को लेकर धरने का आज 57वां दिन है और 57 दिन में अभी तक कोई निर्णय कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। अभी कुछ ही देर पहले SDM साहब यहां आकर गए, किसानों से बातचीत हुई, वो वीडियो अलग से है, उसको हम अलग से आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी किसानों से बातचीत करेंगे। 57वें दिन भी किसान क्यों अड़े हुए हैं? जिस तरीके से पहले 13 महीने का आंदोलन हुआ, अब 3 दिन के बाद पूरे 2 महीने हो जाएंगे और ये शामली का सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो इतने लंबे दिनों से लगातार चल रहा है। यहाँ किसान मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसा अंकल जी 57 दिन हो गया आज, अब कैसा लग रहा है धरने में बैठ के? भाई धरना बहुत बढ़िया चल रहा है और अधिक से अधिक किसान डेली नए किसान आ रहे हैं और सबकी यही मांग है या तो हमारा संपूर्ण भुगतान कराया जाए, अन्य भाई इसका जड़ू ताला मार दिया जाए। ताले की तो बात होगी जी, अब ताला तो कह दिया बंद रहेगा, लेकिन मील को बंद क्यों रहने दे रहे? जो गन्ना बच रहा है, जिन जो किसान चाह रहे हैं कि हमारा गन्ना जल्दी जल्दी चला जाए ताकि गेहूं बोले, उन्हें तो दिक्कत आएगी ना? नहीं, कोई किसान नहीं चाह रहा। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करें, आप किसानों के बीच में आवे और हमारी बात जो है दूर दूर तक फैलावा, इसके लिए आपका हम धन्यवाद बोल रहे हैं। रही उसकी गन्ने की बात, एक भी किसान क्षेत्र में आप भ्रमण करके देख लो, घूम कर देख लो, किसी से पूछ लो, एक भी किसान इस चीज़ पर सहमत नहीं है बिना भुगतान करे इसे गन्ना दे दे। इब की बार कोई भी किसान, संपूर्ण सारे किसानों ने, इसमें जाति धर्म कुछ नहीं है, सब एक ही है, एक ही किसान, एक जाति, किसान जाति, सारी किसान जाति ने बिल्कुल मन बना लिया किसी भी हाल में बिना पूर्ण भुगतान के इसे गन्ना दिया नहीं जाने का। और उसके लिए 57 दिन हो लिए, यहाँ बैठू बैठू 57 दिन हो लिए और दिन चाहे कितने ही हो जाओ, और हमने अब जो निर्णय बना लिया, हमारी जो है सर्वसम्मति से सर्व बड़े छोटू से बात होगी, निर्णय कर लिया, अब जा जो यू अपना काम करे लग रहा ने, हमें देने को तो सब पीछे नहीं, अपने मील में लग रहा है ना लेबर को, कल से परसों से आज SDM साहब आए थे, उन्हें भी हमने ज्ञापन दे दिया, इसका काम भी सारा बंद करवाओगे, इसके ताले कुछ जगह तो इसके लग रहे, कुछ और रह रहे, इबजा उनका भी काम करा जाएगा। इबजा किसान ऐर पैर के मूड में आ गया, इसे रड़क नहीं छोड़ने के, इब ऐर पैर करके जाएंगे, चाहे तो हम ही रहेंगे चाहे यू ही रहेगा, भुगतान देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा जी, बिल्कुल। एयर पैर की बात कह रहे हैं जी, आपकी तो उम्र भी नहीं, एयर पैर की अब? और मैं खोलवा पैर, ये तो दिक्कत है, मैं ठोकुमा से मैं तो भूख हड़ताल में रहा, अरे जो इन्होंने तोड़वा दिया मेरा, और नहीं तो यू चलन था, मैं तोड़ था भूख हड़ताल, खूब आर पार करेंगे, सोए डाले एक टोस्टिन देने के, आदि बन जाती है अब तक जो भूख हड़ताल में होते हैं, समाज तो जल्दी पहले के बनता है यहाँ तो, और बनेगा समाज तो फिर भी आओगे यहाँ, ये गंडा लेंगे मैंने काटेंगे खूब छोड़ डाल, छोड़ा तो ही नहीं, नहीं एक पूरी दिन देने के, इतना पेमेंट मारा नहीं होगा फुल, सब भाई किसानों का ना कोई यहाँ गंडा लेगा वे, ये तो झूठ है, बकाया रहे गाँव में जाकर तुम ले जाओ, फिर मिल चालू हो जाएगा, फिर कोई रुका नहीं, ऐसा नहीं होना, किसान सब एक है, ये सब दलाल लेने के, दलाल हट जाएंगे। तो जी अगर जो किसानों का गन्ना बचा है उसे लेकर कहाँ जाओगे किसान? अब किसान अपने गन्ने को लेकर कहाँ जाएगा? किसान इतना परेशान हो गया, इन्होंने किसान इतना परेशान कर दिया, चाहे किसान को अपने गन्ने में खेड़े में आग देनी पड़े अपने खेत में, लेकिन इस बार पूरे शामली मिल के क्षेत्र के किसानों ने मन बना लिया शामली मिल को गन्ना नहीं देगा, बहुत परेशान कर दिया किसान। क्या कारण है? पहले तो ठीक ठाक पेमेंट हो रहा था, अब सरकार भी अच्छे दिनों वाली है, अब तो हिंदुओं की सरकार है, इस दिन इन सरकार में भी इतनी दिक्कत? कोई कारण नहीं है, इसकी नियत में खोट है, अपनी नियत में खोट करके इन्होंने सरकार भी लूट दी, किसान भी लूट दिया, इनकी नियत में खोट है, इन्होंने चंद दलाल पकड़ रखे, दल्ले पकड़ रखे, उनका मुंह भरे वैसे भ्रमित कर रहे, और किसान तो अपना हक मांगने के लिए आ रहा, भीख नहीं मांग रहा, आज 57वें दिन हो गए, पता नहीं क्या करना है, किस अंधकार में सो रहे, अन्यथा व्यापारी को तो इतनी गंदी सोच रखनी नहीं चाहिए। घाटा नहीं है, जब से एक नई वैरायटी है 0238 वैरायटी, 18% रिकवरी इसमें निकलती है, और दूसरी बात जो है टोटे का घाटे का सौदा बता रहे,
एक शामली शुगर फैक्ट्री ऐसी शुगर फैक्ट्री है जिसमें 80-85% गन्ना गेट का गन्ना है। पत्रकार मोदिया भी दूर दूर तक घूम लियो, किसी भी फैक्ट्री में आपको 80-85% गेट का गन्ना नहीं मिलने का। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सोच गंदी कर ली, अपनी नीयत गंदी कर ली। हमें नहीं पता है पैसे कहाँ ले जा रहे, कहाँ लेकर जा रहे। केवल इनकी सोच गंदी है, इनकी पॉलिसी गंदी है। अब उसका किसान शिकार बन देगा उस पॉलिसी का, बहुत शिकार बन गया। 8-9 साल हो गए शिकार बनते बनते, अब बाकी किसान उस पॉलिसी का शिकार नहीं बनने का। अपना पेमिट लेकर जाएगा, और अगर पेमिट नहीं देगा इस बार शामली क्षेत्र का किसान शामली मिल को गन्ना किसी भी कीमत पर नहीं देगा। तो जैसा आज 57 दिन हो गए, तो कब तक बैठे रहने की है उम्मीद? अभी तो 57 दिन में तो कोई निर्णय हुआ नहीं अब तक, न तो SDM साहब कर पा रहे, न DM साहब कर पा रहे, न किसान पीछे हटने के लिए राजी, न मिल आगे बढ़ने के लिए राजी। मिल मालिक जो हैं अधिकारी आए बात करके चले जाएं, फिर वही जो कोई तू रात की बात। भाई रही बात, आपने सब प्रश्न कराया कि कब तक धरना रहेगा, धरना अनिश्चित काल तक रहेगा जब तक हमारा 1-1 रुपये का पेमेंट नहीं होता। तब तक बदस्तूर जारी रहेगा हमारा धरना, जब तक इस मिल पर हमारे किसानों का ड्यू है तब तक इसे देना पड़ेगा। और ये कान खोलकर मिल वाला भी सुन ले और शासन प्रशासन भी सुन ले, इसमें गन्ने की एक पूरी तक नहीं दी जाएगी जब तक हमारा पेमेंट नहीं क्लियर होगा। और सर इसकी पॉलिसी इतनी गंदी है मिल की, ना तो यहाँ पर कोई अधिकारी सही लेवल का है, ना इनके अच्छे बर्ताव है, ना इनका मैनेजमेंट है। ये गाँव गाँव किसानों में जाते हैं और किसानों को बहकाते हैं, किसानों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ये अपने मालिक को देते हैं। उससे किसानों के बीच में गैप आ गया जिससे इसकी नीति और नियत दोनों ख़राब है, और किसान इस चीज़ को बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। रही बात इसकी, इसका घाटे की, आपको मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूँ आपकी जानकारी पर, घाटा बिल्कुल नहीं है शामली मिल में। हमारे सीमावर्ती 3 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश अपना हो गया यहाँ पर 350 का भाव है, हरियाणा में 372 का और पंजाब में 380 का। तीनों राज्य के लिए मार्केट समान है, यानी कि पूरे भारत का बाजार तीनों के लिए एक है। वो 380 में बेच कर भी लाभ कमा रहा, ये 350 में नहीं कमा रहा। 32 रुपये का गैप हो गया पंजाब को और उत्तर प्रदेश को, 32 रुपये मंदाई पहले ही ये खरीद रहे। 1 करोड़ टन 1 करोड़ गन्ने की पेराई सत्र इसने, 1 करोड़ टन की सराई पेराई सत्र कराया इसने पिछले साल 2022-23 का। 32 रुपये का इसका फर्क है, डायरेक्ट 32 करोड़ का तो ये लाभ हो गया से। रही रॉ मटेरियल है, गन्ना एक रॉ मटेरियल है, बायो प्रोडक्ट है, इससे मल्ली का भी उत्पादन कर रहा है, इससे खोई भी बना रहा है, इससे डिस्टिलरी भी चल रही, इससे एथेनॉल भी बना रहा है। पर लेकिन वही मैंने आपसे पहले रिपीट कर दूं, नियत और नीति इसकी दोनों बेकार है, और सरकार इसमें बिल्कुल असक्षम है। सरकार इस पर हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हम रोज़ ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे संयोजक जी रोज़ ज्ञापन देते हैं, पूरा किसान बिरादरी इनसे भी, और प्रशासन शासन सबसे तंग है। अब इनका तो भगवान मालिक है, भगवान क्या, इनका तो किसान मालिक है। अगर कोई नहीं सुनेगा तो किसान अपनी खुद की तय करेगा। अच्छा जैसा किसान खुद की तय करेंगे जी, तो किसानों के सामने तो समस्या आ जाएगी ना। इधर तो इधर ये पेमेंट देने के लिए राजी नहीं, उधर नया गन्ना भी नहीं आने का, तो जो नया गन्ना है उससे जो पैसा बनना था आप कह रहे तिल्ली खींच देंगे। ऐसा है जी, इसको तो देना नहीं भाई, ये तो पिछला दिन दे रहा और अगला दिन सोच रहा मिल चला लूँ, चलने का नहीं। हमारी 2 मांग है, संपूर्ण बका गन्ना भुगतान और 14 दिन गारंटी में अगर चलाता हो तो चला, और नहीं तो इस मिलों को बंद करो, हम चला नहीं देने का। हम मतलब बैठ जाएंगे इसी इसकी हर चीज़ पे, चलने का नहीं तो हमारा समाधान होगा फिर गन्ना डिवीजन, इस मिल का पूरा गन्ना डिवीजन होगा, सरकार करेगी। डाइवर्जन करने के बाद अगर उस मिल ने भी इस तरी कर दिया, क्यों कर देगा, 14 दिन में होगा पेमेंट, और नहीं आने का वहाँ भी हड़ताल भाई, जो देगा उसे देंगे। 14 दिन का अगर आ गया ठीक है, नहीं उसे बंद कर देंगे। अब तो चला काम, अब नहीं चलना का गियर का घरों लेट के, अब तो लट लेगा वहीं रहेंगे दे फटाफट, यू करेगा प्रशासन भी तो है, लट लेगा कैसे काम चलेगा। प्रशासन का हमारे पैसे तो वहाँ लग रहा, या बीच में मरे प्रशासन दो पैसे ले लो गारंटी, और नहीं गारंटी लेते जो करे लेट रहे पीछे आपको ले लेंगे, हमारा लट मतम होगा उसे देंगे जो देगा, और फिर ले लेंगे हम तो और का दबा दे, हमारा भी रख ला कोई हिम्मत नहीं है, ये ले लेंगे अस्पताल आगे मैदान में बिकाऊ है नहीं। हाँ अच्छा, आपके घर पे भी लगा दिया, चस्पा कर दिया है नोटिस, क्या क्या है नोटिस में क्या दिखाया? ऐसा है जी, यहाँ भूख हड़ताल पर 5 आदमी बैठे थे, और उसके ओमपाल सिंह ऐसे मार गए, उसकी हालत थोड़ी नाजुक होगी, कमज़ोर थे वे, बुजुर्ग है, तो उसे वहाँ ले गए CHC में नहर पर, तो वहाँ 2 दिन उन्होंने देखा था क्या, वो कह लगा वह इसकी और ज़्यादा हालत ख़राब है, वे उसे रेफर कर लगे,
अब वो है बेचारा गरीब आदमी, वे कहाँ से खर्चा ठालते हैं। हमने कहा हुआ तुम्हें से अपनी सुपुर्दगी में मत लेना, या तो सरकार ले जाएगी या मिल वाला ले जाएगा। तो वहाँ तीन चार दिन के रखे उन्होंने, हमने मैंने कर दिया हमारा तो मौत है नहीं ना, हमारा पेमेंट हो रहा तो हमारा पेमेंट कर दो, हम दिखा लें जी हमारे घर में पैसे नहीं है तो यूँ मैंने जगह यूँ तो पैसे मिल वाले पे है हमारे, उसमें तो काट लिए बस खर्चा समय तो काट लिया, हमारे पास तो नहीं चाहे तो तुम ले जाओ मिल वाला, चाहे वो ले जाओ सरकार डी एम ले जाओ। तो हमने उनको हमने लिया नहीं सुपुर्दगी में, ना हमारे पैसे ना हमारे वो है। तो फिर वे दो तीन दिन गए रोके उन्होंने भी, फिर उसकी और हालत ख़राब होगी। जब ले गए वहाँ मेरठ, कह लगे जी एक आदमी तो दे दो खर्चा तो हम टालेंगे, एक आदमी दे दो, तो उसका लड़का चलेगा। तो वहाँ मेरठ मेडिकल में ले गए, अब उसमें न्यूट्रम आया पता नहीं कौन था मेरठ रोड पर, उसमें है अब कभी तो उसके कहते हालत ठीक है कभी कहते, तो उसका पता लेने जाऊंगा भैया संजीव का कहाँ रोल पता लाऊंगा। तो मेरा क्या रोल है ना, तो मैं उसे भुगटता बैठा मैं ना मकाव सकता भेज जा अपनी मर्जी से सब बैठे, तो मेरा क्या मतलब हो गया समय। तो ये अपनी जिम्मेदारी पर सरकार लेगी अपना देखेगी, मेरा कोई रोल नहीं है समय, मेरे पे क्या मुकदमा का मतलब है। जी जी अभी दरा थोड़ा धूप आ रही इधर, अभी जो 57 दिन से किसान धरने पे हैं उनके सामने समस्या ये आ गई कि वो किससे बात करें, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, मिल मालिकों के पास कोई जवाब नहीं है, मिल में जो अधिकारी हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब किसान अपना गन्ना लेकर जाए तो जाए कहाँ, मिल मालिक जो है गन्ना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये चाहते हैं कि गन्ना यहीं पर डाला जाए। अब जो किसानों के बीच ये दरार पैदा हो गई है इसको कैसे भरा जाएगा वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 57 दिन हो गए हैं अभी तो धरना शायद और भी महीना दो महीना चल सकता है। तो जैसा 57 दिन हो गए जी आज कम्प्लीट पूरे, कुछ ही घंटे के बाद हो जाएंगे, किसान भूख हड़ताल पर बैठ लिए, ऐसा क्या आ गया कि इतनी मजबूरी आ गई? जब ब्रिटिश सरकार थी ब्रिटिश सरकार का जिक्र हुआ, जलियांवाला बाग का भी जिक्र हुआ, ऐसी क्या मजबूरी आ गई इस सरकार में भी जो कहती थी 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी, पैसा भी बढ़ाया जाएगा, आपको समय पर पेमेंट भी मिलेगी, और हिंदू की सरकार में हिंदू की इतनी दिक्कत है, धरना भी हिंदू पर कर रहे, मिल मालिक वाले भी हिंदू, प्रशासन भी हिंदू, सब कुछ हिंदू, फिर भी समस्या जो कि तू आपको क्या करना जरा मैं इसके पीछे। देखो सरकार है जुमलेबाजों की, अरे ये जुमलेबाजी इनकी पकड़ी जा रही है भैया, तो अब जा ये फॉल्ट पकड़ लिया, अब जिसका जवाब देगा देने के लिए किसान बैठा है, किसी भी तरह के झांसे में नहीं आएगा ये किसान भैया। जब ये अपने कर्तव्य को निभाना जानता है तो अपने अधिकारियों की रक्षा करना भी जानता है यू, तो इसलिए ये मिल मालिक और प्रशासन शासन सबको अवगत करा दिया गया है कि अपना जो तुम्हारे पास पद की गरिमा है उसका ध्यान रखते हुए इसका किसानों का फुल पेमेंट कर दो, और अगर ये मिल नहीं चलाना तुम्हें तो हमारा गन्ना डाइवर्ट कर दो, हम आपके किसी भी तरह के झांसे में नहीं आएंगे। तो अब देखो एसडीएम साहब ले गए विज्ञापन तो पहले भी जा लिए, रेस्पॉन्स कोई देते नहीं है। अब तो ये दो हफ्ते रह रहे मिल के चलने के, ये बड़े निर्णायक दिन हैं और इसमें फैसला आर पार का ही होगा, और या तो ये मिल ही नहीं रहता, किसान तो बरका जिंदा रहेगा हमेशा तो रहता आया, किसान के पास तो प्रकृति ने ऐसा उपहार दे रखा है, फसल चक्र है उसके पास, तो भाई गन्ना है दूसरे मिलों पर चले जाएगा तो चीनी बनेगी उससे, तो कुछ कड़वा पदार्थ नहीं बनेगा उससे, चीनी ही बनेगी, चाहे कहीं खतौली मिल के भी ऑफर आ रही है क्या लगा 50% तो हम झेल लेंगे इससे अमली मिल के गन्ने को, और नए दो फैक्ट्री सहारनपुर जिले में चालू होगी, वे कह रहे हैं हमको दे देना, तो इसलिए गन्ने की कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बस ये था भाई, हम ये सोच रहे भाई 90 साल का नाता है ये बना रहे हैं हमारा इनका, पर ये नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तुम डाल डालो हम पात पात है, हम भी नहीं रखना चाहते, किसान तुम्हारा गुलाम नहीं है, गुलाम हो तुम, माल चाहिए तुम्हें। अब किसान कोई इतना बेवकूफ़ नहीं रहा, अब जब तुम्हें ही माल देगा तुम्हारी साजिश का शिकार बनेगा, ये अब चलने वाला सिस्टम है नहीं। तो इसलिए मेरा यही कहना आपके माध्यम से मिल मालिकों को भी, मिल प्रशासन को भी, यहाँ के प्रशासन को भी, और यूपी गवर्नमेंट को भी, कि आप जो है इसमें संज्ञान लो जल्दी जल्दी, और ये 90 साल का नाता अगर तुम्हें बरकरार रखना ये मिल चलाना, तो अपना हफ्ते भर के अंदर भी फुल पेमेंट कर दो, 14 दिन की गारंटी दे दो, और नहीं यू किसान अब किसी भी स्तर पर झांसे में नहीं आएगा, और ये हाई अलर्ट मोड में है, ये अपना गन्ना खुद व्यवस्था कर लेगा। अगर तुम्हें वोट चाहिए सरकार को कहना मेरा आके मिलो और किसान का सहयोग करो, किसान आपका सहयोग करेगा, तो ये तभी प्रक्रिया चलेगी आगे, नहीं ऐसे नहीं चलेगी।
तो आपको क्या लग रहा है जी, क्या रहेगा भैया? ऐसा है अनुरत भाई, 57 दिन हो गए यहाँ से, है शासन प्रशासन भी यही है। हमने मिल वालों को कह लिया, प्रशासन को कह लिया, एक बात तो देखो, जैसा मिल मालिक है, क्या किसान होते हैं, मतलब उनकी वार्ता सीधी नहीं करवा सकते। ये मिल मालिक मारे थे, क्यों तो लुका हुआ है, क्यों इन्हें लुका रहा है? कोई अगर उसे कुछ दिक्कत है, पहले जो सरसादी लाल थे, राजेंद्र लाल थे, रजत लाल थे, मेरी भी उम्र 54 साल की होली, हमने देखा अगर कुछ मील को दिक्कत हुई या किसानों को दिक्कत हुई, सामने बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसी के बात आ रही जो मतलब जो है ना, तो मील वाले नु कहते मालिक को यहाँ बुलवाते, ना प्रशासन बुलवाता, कुछ चोरी का सौदा चल रहा, हमें तो नु दिखे भाई लुकम लुकाई चल रहा, इनका काम सामने, तो मील मालिक को ला नहीं सकते हैं क्या? किसानों से बात नहीं करवा सकते गए? तो भाई साहब आप क्या कहोगे, सरकार की बात है बीच में, जैसा सरकार तो फिर वही चुनाव नजदीक है 24 के, तो क्या 24 के चुनाव में किसान किस तरफ जाओगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओगा जिसकी सरकार अब है उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी, क्या रहेगा? किसान तो खिलाफ ही जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का किसान तो खिलाफ ही जाएगा। वो काम है जो करूंगा, रन लेखा जोखा नूंगा जोर कुणबा डुब्बा कू, लेखा जोखा जोगा जोर कुणबा डुब्बा कू, इसके मिल वाले का तो वो काम है। ये तो 50-60 करोड़ रुपए तो मुनाफे तक कमा लिया, जो कर अंकित कह था 30 करोड़ रुपए इसने उस तो बचा लिया था रेट के, उस 100 करोड़ रुपए हर साल बचा लिया यू, और इसका काम चल रहा बढ़िया, लोगों को भगा का 8-10 साल तक नहीं काम चलता आ रहा इसका, कोई सबूत जलोगो तय टोटा रहा, किस बात तक टोटा रह गया, के कारण हो गया बता नहीं सकता कुछ, क्यों कारण कैसा लाभ है इस चीज़ का, लाभ हो रहा और अपना और पीछा डाइवर्ट कर रखा है दूसरी जगह। तो ये जैसा आप कह रहे थे जले वाला बाग है, हमने तो यही कर दो, इस चीज़ की क्या जरूरत आन पड़ी थी, एकदम इस चीज़ की जरूरत आन पड़ी थी, हम अपना हक मांग रहे, पीछे मांग रहे हम अपने, हमारे पीछे दे दे, हम दुख दुख मान रहे, हम पीछे जाओ हमारे, और पुलिस का ही खतर है या पुलिस मिल वाले खतर है, हमारी खतर है जी, पुलिस हमारी खतर है तो बजे गोली मारे पे, अगर जब पुलिस हमारे सपोर्ट में है पुलिस, तो मिल वाले को पुलिस ही ना पकड़ दे थोड़ी सी, मिल वाले को पुलिस ही दिखा दे, और मिल वाले को कह दे कि भाई पुलिस का काम हमारा तेरी सुरक्षा करने का नहीं है, मिल वाले को हमारा सुरक्षा आम जनता का है, वह पुलिस का काम आम जनता के लिए तो है, अगर मिल वाले खतर है पुलिस, और पुलिस भी जो काम कर रही मिल वाले खतर, तो फिर पुलिस कई नाम की हो या किसके नाम की पुलिस है, वह फिर वो गोली बजे मरे पर देखी जाएगी, जो कर होगा दर्द है, यू दर्द है पुलिस को हम भी गोली मार दे, अरे मिल वाले की कई खतर सुरक्षा में दो, हम क्यों फाड़ेंगे से क्यों तोड़ेंगे, पुलिस डाल आ ले जो कर भाई, हम बड़े घने बड़े क्रिमिनल हो, क्रिमिनल है हम, किसान है हम, सारी दुनिया का पेट क्या बता, आपकी सेफ्टी के लिए आती हो, कोई दिक्कत ना हो जाए किसी को, हमारी सेफ्टी के लिए आती, मेरे हक की बात कहती, जो हमारी सेफ्टी के लिए आती मेरे हक की बात कहती, हमें लगता हम पता लग जाएगा, जो आदमी हमारी सेफ्टी का हो, दूर तक कोई आदमी हो हमारे आदमी, और कोई हमारे हित का है या पराया, हमें दूर तक दिख जाएगा वो आदमी हमारे हित का हो, उसकी बात तो अंदाज लग जा, सरकार की बात तो अंदाज लग जा, हमारे हित का है नहीं, सरकार हमारे हित की है नहीं, के हमें पता नहीं सरकार का, हमारे हित की नहीं है। वोट भी तो आपने दिया ना सरकार से, तो वोट तो जनता ने दिया, हमने तो दिया नहीं, हम तो दे नहीं, हमने तो ना दी ना दे, हमारा तो बहुत पुराना बैर है, चौधरी साहब नु कह गए थे कि ले ना काम बढ़न दियो, और जो काम बढ़ गया लिख डे पे, हमने तो जीव की बात सीख रखी, चौधरी चरण सिंह कहे थे ये दीवा बत्ती वाले, जो काम में बढ़ गए थारे पर लिख डे नहीं, ना काम ना बढ़न दियो, और काम में बढ़ गए ये, पर नहीं निकल लो गाँव से, नहीं पेश चली मारी बढ़ गए, नहीं पेश चली मारी, हाँ कोशिश कर रहे काम में तो काटन की नहीं, हाँ तो निकलते नहीं गए भैया, ना हम तो अपने हमने तो अपनी दबदा काट ही रखी, हमने तो अपनी दबदा काट ही रखी, या लिगड़ेगी या कहाँ जाएगी लिगड़ेगी, बोला बड़ा किसान है आ गया था इनके बकाये में, मोदी रोज नु कह रहा था कि भाजपा की सरकार आवेगी हम 450 का भाव देंगे, हैं आ गए थे बकाये में कुछ तो पहले, भाई हमें तो अपना भला के लिए तो सब सरके हैं, हम ही सरक गए, इसकी डबकुर मान लिया हमने दे दी, ये हमने ना ये देख लिए खूब बढ़िया डाल, क्यों इनने तो योगी जी तो ठीक काम कर रहे हैं, अरे योगी जी भी उनके ही बकाए में आ रहे, और योगी जी कहाँ ठीक कर रहा, योगी जी ठीक करता तो फिर हम यहाँ भी रान होते, हमने करूँ पहले लूट ले जाते बैंक से बाहर निकलते लूट हो जाती, कौन कहे लूट हो जाती, कहीं नहीं लूट हो जाती, लुटेरे भी यही है आज, ये बड़ा लत्ते पैरू फिरे हैं भाई, कहीं नहीं है लुटेरे, ये तो बदनाम लूट कहीं होगी ना, तुम्हारे धरा पीसा है ना लूट है,
के अब कहना उसकी सपा की सरकार है, अरबा गुंडा करती है, नु है जी पीसा नहीं है, जाके जिसके थोड़े भी पैरी है, जो करमील वाला है या कोई लत्ते कपड़े वाला है, अरे उन्हें दिक्कत है, हमें थोड़ा ही दिक्कत है, हम तो खुले में सोने वाले आदमी, ना पीसा छोड़ रखा रही मील वाले की, यहाँ आ जा तड़की सांझ को चले जा, अपना पैर पीट के डी एम बी रे है ना, वो कहता कुछ ना, योगी कहता ना मोदी कहता, किसान जाओ बाढ़ में, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही यही सरकार थी जी विपक्ष में थी, या रोज विपक्ष का हंगामा करा कर थी, कह लगा स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग लागू करो, स्वामीनाथन आयोग C+2 का फार्मूला आज लो भाजपा सरकार ने किसी राज्य में लागू करे हो या सेंट्रल स्तर पर लागू करे हमें बता दो, यही रोज मांग उठा कर रहे थे, यानी कि अगर गन्ना आयुक्त जो हमारा गन्ना का एक्ट है उसी में ही उसके अनुसार इनकी कमेटी के अनुसार गन्ना उत्पादन करने के लिए कुंटल उत्पादन करने के लिए 350 रुपये का खर्चा आ रहा किसान, और C+2 का फार्मूला है कि लागत का 150 गुना, अब लागत का 150 गुना लगा लो, 350 का 150 गुना लगा लो, इतना तो किसानों का अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार मिलना चाहिए हमें, और यही किसान जब सरेंडर के ऊपर महंगा हो जाता, सरेंडर को लेकर बैलगाड़ी में पेट्रोल को लेकर संसद पर मार्च कर रहे थे, आज बोलते नहीं सिलेंडर 400 रुपये था जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, आज 1100 का हो गया, पेट्रोल जब 55-60 रुपये था, आज 100 रुपये तक भी कहीं कहीं स्टेट में तो 110 रुपये तक भी पार हो रहा, ये भाई इनसे बड़ा जुमलेबाज और इनसे बड़ा किसानों का बेवकूफ और आम जनता का बेवकूफ बनाने वाली सरकार हमने आज लो नहीं देखा। पाकिस्तान का ठाता के क्या लगा 250 रुपये किलो आटा हो रहा, 350 टमाटर हो रहा, अपना नहीं देख रहे, बांग्लादेश का ठाता है वहाँ स्थिति होगी, गरीब भी आ गया, अपना देख लो यहाँ 250 रुपये होकर टमाटर जा लिया, अपने कहीं कहते ना ढोल पीटते, दूसरे देशों का कहते हैं क्या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या वहाँ इतना हो गया, यहाँ नहीं देखते यहाँ थरे शासन में की हो रहा की नहीं हो रहा, अरे भाई इन तक बचो हाथ जोड़े भाजपा को न दियो वोट कोई भी, और अरे ही मारी हमने ना पहले दी ना हम इब्जा देते भका नहीं आते, मेरे ताऊ जी है अमबीर सिंह भी पहले तो कहते हैं अरे कहले भाजपा के चक्कर में आई हो आइयो ना, लोगों ने फिर भी दी कह लगे है तू के जाने बात को, वो लोग क्या कह लगा मैं देख रखी है सरकार वही विकास वाली बात दीवा बत्ती वाली है, जो काम में बढ़ के लिखड़ने भारी हो गए, पर ये एक तरीका है वोट ना तो अपने आप लिखड़े लिखड़ाए है। जी जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी जो 57 दिन हो चुके हैं किसानों को शामली पर धरने पर बैठे हुए, और इतनी समस्या किसानों के सामने, एक जब किसान SDM साहब से बात कर रहे थे तो दर्द इतना छलका उनका कि हल्के हल्के उनके आंखों में आंसू आ गए, दीपावली नज़दीक है, बच्चों की फीस नहीं जा रही, सर्दी आने वाली है, आज बारिश हुई, हल्की पुल्की प्रकृति की बाज मार किसानों पर पड़ी, क्योंकि धान जो है खेतों में पड़ा हुआ है और अगर वो काला पड़ गया तो उसकी कीमत घट जाएगी, एक तरफ से प्रकृति की मार, ऊपर से मिल वाले की मार, तो जब तक किसान उग्र नहीं हो जाता, लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता, और यही काम आज तक हुआ है देश में किसानों के लिए कि उनको लड़ाया गया, उनको तोड़ा गया और उनसे उनके हक छीने गए। खैर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं किसानों से बात करने की ताकि ये आवाज़ दूर तक जा सके और किसी तरीके से गन्ने की पेमेंट बकाया जो बचा हुआ है और अगले सत्र में जो चालू होने वाला है उसका 14 दिन में गन्ने की पेमेंट किसानों को मिल जाए, और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, आप जुड़े रहे गांव गुआंड के साथ। और आप सभी से निवेदन ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें, फेसबुक पर हमारे पेज गांव गुआंड UP को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ दूर तक जा सके। जय हिंद, जय भारत।